है कि आप कभी भी अपना स्टेशन जब भी छोड़िएगा तो लीव टू हेडक्वार्टर का एप्लीकेशन जरूर दीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और आज अभी मैं रात के 2 बजे जलगांव स्टेशन पे हूँ और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ जो कि 4 बजे है। तो बेसिकली जब कभी आप कुछ किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लान एग्जीक्यूट होता है, लेकिन बीच पे इतनी हौस पौस हो जाती है कि आप खुद भी परेशान हो जाते हो। और जस्ट आज मेरे साथ यही हुआ। एक्चुअली अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी ट्रेनिंग का शेड्यूल आया कि 23 अगस्त से 28 तक मेरी ट्रेनिंग है जो कि ऑनलाइन होनी थी। तो मुझे लगा क्यों ना यार घर में एक बार चले जाए, अपना फेस्टिवल भी रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर लेंगे और अपना घर में भी अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मैंने प्लान बनाया और मैंने 19 अगस्त जिस दिन मुहर्रम था, मैंने उस दिन मॉर्निंग में मनमाड़ से कानपुर के लिए ट्रेन कराई जो कि 5 बजे थी कुशीनगर एक्सप्रेस में, और वो ट्रेन में PQWS अवेलेबल लिखा था तो मैंने वो करा दी। मुझे लगा कि हो सकता है बात के कन्फर्म हो जाए, मैंने करा दी। बट लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मैं जब आज मतलब वेडनेसडे के दिन मतलब 18 अगस्त को मैं जब ऑफिस गया तो सर ने पूछा कि भाई कैसा क्या। तो मैंने सर को बताया कि सर एक्चुअली ऐसा है कि मुझे नेक्स्ट वीक छुट्टी पे जाना है, क्योंकि होता क्या है कि जब कभी आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप वर्किंग हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप कभी भी अपना स्टेशन जब भी छोड़िएगा तो लीव टू हेडक्वार्टर का एप्लीकेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी ही सेफ्टी के लिए होता है कि कल को आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आपके बिहाफ पे ही एक प्रूफ रहता है कि आप विद परमिशन आप गए हुए हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी जाएँ तो लीव टू हेडक्वार्टर का परमिशन जरूर लेके जाएं। तो बेसिकली मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे आओगे, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरा आने का मन नहीं था। उन्होंने पूछा तो मैंने कह दिया, बट हुआ क्या कि मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था, मुझे लगा साहब कि मैं वो ट्रेन कैंसिल करा दूँगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन इवनिंग में क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्राइडे आ रहे हो, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अचानक से मैं एकदम बिल्कुल खुश हो गया कि यार चलो कम से कम मैं मतलब एक दिन पहले पहुँच रहा हूँ। मतलब ये एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मेरा प्लान चल ही रहा था और मैंने देखा सडन कि जलगांव से जाती ट्रेन खाली है, लेकिन इशू सिर्फ एक ही बात का आ रहा था और वो ये कि औरंगाबाद से जलगांव कैसे जाएँ, क्योंकि बस का ही रूट है, ट्रेन का डायरेक्ट कोई रूट नहीं है। तो लॉकडाउन का टाइम है तो मुझे लगा हो सकता है बस ना मिले। तो सडन मुझे मेरे जो रूममेट है उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि एक काम कर, फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग कर ले, पैकिंग जैसे ही तेरी कंप्लीट होती है चलता हूँ, वहाँ अगर बस मिल जाती है तो वहीं पर ही बस पकड़ के टिकट करा लेना, वहीं से निकल जाना। तो मैंने मेरे दिमाग में भी लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने फटाक से पैकिंग करी, तो ये मेरा बस एक ही बैग, मैं सही से पैक भी नहीं, पैकिंग भी नहीं कर पाया, मैं सिर्फ एक दो जींस ही डाल पाया हूँ। तो बेसिकली मैंने फटाफट पैकिंग करी और ऑलमोस्ट विद इन 10 मिनट्स में मैं बस स्टेशन पर गया। तो मैं जब गया तो बस मुझे वहाँ खड़ी मिली और मैंने 2 से 3 लोगों से कन्फर्म किया कि ये जलगांव की बस है या नहीं है। एक्चुअली जब आप कहीं पर भी नए होते हो तो हो सकता है कि एक आदमी आपको गलत बता दे, लेकिन आपको 2 से 3 आदमी जो होंगे वो आपको कभी भी गलत नहीं बताएंगे। मैंने कंफर्म किया, मैं बस में बैठा और उसके बाद मैंने तुरंत जलगांव से झांसी के लिए ट्रेन बुक की। जैसे ही टिकट कंफर्म हुई उसके बाद तुरंत मैंने जो पहले 19 अगस्त की 5 बजे कुशीनगर की जो टिकट थी वो मैंने कैंसिल करी और ऑल ऑफ सडन मुझे मैसेज आया। मैं अचानक से शॉक हो गया मैसेज देख के, और वो मैसेज ये था कि आपका रिफंड अमाउंट जो है वो आपका 50% अमाउंट रिफंड है। तो मुझे लगा अरे यार ये तो कन्फर्म टिकट नहीं थी और उसके बाद भी कैसे हो गया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि मैं अचानक से थोड़ी देर शॉक में रहा, मैंने कहा यार कैसे हो गया ये, वो तो वेटिंग की थी, 60 रुपीज़ कटना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, फिर मैंने चेक किया तो ये आप भी ध्यान रखें कि जब आप कोई भी टिकट PQWS अवेलेबल पे कराते हो तो वो टिकट कन्फर्म टिकट होती है और उस टिकट का बर्थ आपको तभी अलॉट होता है जब उस ट्रेन का फाइनली चार्ट बनता है, मतलब आपकी वो टिकट कन्फर्म है। तो अभी
अभी जस्ट हमारी ट्रेन पालदी पहुंच चुकी है जो कि जलगांव से स्टेशन पीछे है। तो अभी क्या हुआ, मैं वेटिंग रूम से तुरंत मैं निकल के आया और जैसे मैंने आके बाहर देखा तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब मैंने कहा कि मौसम भी एक अलग ही मज़े ले रहा है। मतलब आज इतना हौच पौच भी रही और मतलब गजब का बिल्कुल ये चीज़। तो अभी देखते हैं, 10 मिनट ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, तो बोर्ड करते हैं फिर उसके बाद सोता हूँ मैं, तो देखते हैं। तो बेसिकली अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन जो आ रही थी वो एक्चुअली क्या थी, मालगाड़ी थी, लेकिन अभी जस्ट रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है और वो गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। तो इवन क्या है कि अभी मैं जस्ट ब्रिज पे ही खड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में क्या होता है कि कई बार ये लोग अनाउंसमेंट चेंज कर देते हैं, तो इसी वजह से क्या है कि अभी ब्रिज पे खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन उसमें आ रही, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन आने वाली है और 3 मिनट का ही स्टॉपेज है। तो अभी देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं ट्रेन आ चुकी है और अभी मेरा कोच नंबर जो है वो B4 में 31 है, तो ऑलमोस्ट B3 अभी ये जा रहा है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो B4 अभी आने वाला है और ऑलमोस्ट मैं बारिश में चल रहा हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो कोच है वो आ चुका है और जस्ट अभी मैं उसमें जाने वाला हूँ और 31 है मेरा, तो आई थिंक इधर से मैं जाता हूँ। ये मेरा है। तो फाइनली कोच में आ गया हूँ मैं। ओह गॉड, सुबह के 4 बजे हैं और ट्रेन पकड़ी जा रही है, क्या हो रहा है। तो अभी क्या है कि अभी जस्ट मैं बैग रख के आ गया हूँ और बस ये है कि अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी क्या है जब कानपुर पहुँचेंगे आए ऑलमोस्ट, मतलब यूपी जैसे ही टच करेंगे उसके बाद मौसम का क्या हाल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से पता चला है कि वहाँ पर जो है वो गर्मी अभी भी पड़ रही है। तो देखते हैं अचानक से टेम्परेचर चेंज होगा। तो अभी तो क्या है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इवन क्या हल्की हल्की आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल एकदम। अभी देखते हैं, अभी चाहता हूँ मैं ट्रेन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि मैं ब्लॉक करता रह जाऊँ और ट्रेन ऑलमोस्ट निकल जाए, मैं ध्यान नहीं दे पाऊँ, चाहता हूँ मैं अभी। तो फाइनली दिन भर की हॉर्स पॉस के बाद अब जाके सीट मिल गई है, तो कहीं ना कहीं एक शांति रहती है, क्योंकि जब तक आपको सीट नहीं मिलती है, क्योंकि मोस्टली हर व्यक्ति क्या, मतलब मुझे ये लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, क्योंकि कई बार प्लेटफॉर्म चेंज जैसे अभी जस्ट इन्होंने कर दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक मतलब हो जाता है कि नहीं यार, मतलब कि अचानक से फिर इधर से उधर जाओ। लेकिन फाइनली सीट मिल चुकी है और अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो अभी क्या है कि अभी मैं सोने जाऊँगा, क्योंकि कल फिर 2 बजे मुझे झांसी में उतरना है। और हालांकि झांसी में इसी ट्रेन में मेरी टिकट है, पर लेकिन दूसरे डब्बे में है, क्योंकि मैंने अलग अलग कराई थी, तो उसके बाद फिर मुझे सीट चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी क्या है मैं सोने जाता हूँ, सुबह मिलता हूँ आपसे। तो